बिग बॉलीवुड स्क्रीन मूवी स्टार्ट होती है और हम एक आदमी टीम को देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर है। टीम एक ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था जो एक पब में थी। वो एक लड़की को देखता है और उसे लगता है कि ये मलीसा है, क्योंकि मलीसा से वो आज मिलने वाला था। उसके पास जाता है पर उस लड़की के साथ एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का नाम था रोमन। वो जाकर उसे कहता है कि तुम एक गलत लड़की के साथ बैठे हो, ये लड़की मेरे साथ डेट पर आई है। रोमन गुस्सा हो जाता है और टीम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। टीम उसे सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है। इस सब के बीच वहाँ पर रियल मलीसा आ गई थी और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और थोड़ी देर तक बात करते हैं। थोड़ी देर में टीम को पता चल जाता है कि मलीसा के साथ रहने के लिए अगर उसने हाँ कह दिया तो पागल हो जाएगा। मलीसा की बातें बहुत ही अजीब और भयानक थी। वह हमेशा बेवकूफों की तरह बिहेव करती थी। पीछे बैठकर रोमन भी उन्हें देख रहा था। मलीसा रोमन को कह देती है कि इधर मत देखो, यहाँ पर हमारी डेट चल रही है। ये सब देखकर टीम बाथरूम में जाता है। बाथरूम सिर्फ एक बहाना था, वहां से उसे भागना था। बाथरूम की खिड़की से वो कूदने लगता है। इसी बीच मलीसा बाथरूम के दरवाजे से नीचे आ जाती है, उसे देख लेती है पर वो रियलाइज नहीं करती कि टीम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसे कहती कि रोमन मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास जो चाकू था इससे मैंने उसे चुप करा दिया। टीम ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागने के बारे में सोच रहा था। मलीसा उसे कहती कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी और वहां से चली जाती है। इसके बाद टीम खिड़की से कूद जाता है। वो बहुत ऊंचाई पर थी और नीचे गिरने पर उसका पैर भी टेढ़ा हो जाता है। इसे ठीक मलीसा ने ही किया। इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं। टीम ऑफिस में था और उसके बाद वो एयरपोर्ट चला गया। वहां पर एक लड़की से वो टकरा जाता है। वो लड़की अपना सामान उठा दिया और इसके बाद वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। एंट्री के वक्त उन्हें पता चल जाता है कि जो सामान गिरा था उसमें उनके टिकट एक्सचेंज हो गए थे। टीम की टिकट उस लड़की के पास थी और उस लड़की के टिकट टीम के पास थे। वो अपने टिकट लेने के लिए वापस आते हैं। सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस लड़की का नाम भी मलीसा था। वो दोनों फिर मिलकर ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं। वो दोनों ड्रिंक नहीं करते थे तो बातें करते हैं और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। टीम की फ्लाइट यहाँ पर मिस हो जाती है। इसके बाद मलीसा को कहीं पर जाना था तो जाते वक्त वो टीम को अपना नंबर देकर जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट डे टीम अपने ऑफिस गया। उसके बॉस के पूछने पर उसने मलीसा की फोटो उन्हें दिखाई। मलीसा एक्चुअल में मिस मेरीलैंड थी। उसने ग्रेजुएशन में भी टॉप किया था। टीम का बॉस उसे एडवाइस करता है कि मलीसा को तुम हवाई लेकर जाओ। टीम ने बात सुनकर मान जाता है। उसने इसके बारे में मलीसा को टेक्स्ट कर पूछा तो इसके लिए वो हाँ कह देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्टली उसे फ्लाइट में देखते हैं। वहाँ उसके पास एक आदमी बैठा था। उससे कहता है क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो, क्या मेरे माउथ से कुछ स्मेल आ रही है। वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुमने मरा हुआ चूहा खाया था। वो सिर्फ उसका मजाक ले रहा था, कहता है कि सब कुछ ठीक है। मलीसा को आने में जरा देर हो रही थी तो उसे मैसेज करता है। मलीसा कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ही बीमार हूँ। ये सुनकर टीम को बहुत बुरा लगा और मलीसा भी उसका मजाक ले रही थी। इसके बाद मलीसा वहां पर आ जाती है। ये एयरपोर्ट वाली मलीसा नहीं तो ब्लाइंड डेट वाली मलीसा थी। दोनों का नेम सेम था तो गलती से उसने दूसरी मलीसा को मैसेज कर दिया था। उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ब्लाइंड डेट वाली मलीसा तो बहुत ही खुश थी। एक्चुअल में वो सुसाइड करने वाली थी पर जब उसे टीम का मैसेज आया तो उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ये सब सुनने के बाद टीम खुद को ही कोसने लग जाता है। इसके बाद जब वो प्लेन में सोया था तब मलीसा उसके साथ हरकतें करने लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है पर अब वो क्या ही कर सकता था। हवाई आने के बाद रिसेप्शन पर ही 3 बच्चों के साथ वो लड़ने लग जाती है। रूम कीज लेने के बाद वहां से वो चले जाते हैं। मलीसा को होटल बहुत ही अच्छा लगा था क्योंकि उन्हें रूम्स भी बहुत बड़े बड़े मिले थे। इसके बाद टीम अपने बॉस से मिलता है, उन्हें सब कुछ बता देता है कि उसने गलत लड़की को मैसेज कर दिया था। वह उसके बॉस उसे अपने कलीग से मिलाते हैं। अब यहाँ पर टीम का एक न्यू बॉस आया था, उनसे बात करने लगता है तभी उनकी बात खराब करने के लिए यहाँ पर मलीसा आ जाती है। मलीसा वहां पर आकर पागलों जैसी हरकतें करती है। टीम उसे साइड में ले जाकर समझाने की कोशिश करता है और मलीसा की बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे कुछ भी समझ में आ रहा है। फिर से अपनी हरकतें शुरू कर देती है। इसके बाद टीम अपने न्यू बॉस के साथ पूल खेल रहा था। वहां पर एक आदमी आता है और कहता है कि मलीसा ऊंचाई से जंप मारने वाली है। ये सुनकर वो जल्दी से उसे रोकने के लिए जाता है। मलीसा जंप के लिए रेडी थी तभी टीम आकर उसे रोकने लगता है। बातों बातों में उस पहाड़ से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते वक्त वो बहुत बार पहाड़ से टकराती है पर फिर भी उसे कुछ भी नहीं होता। उठकर फिर चिल्लाने भी लग गई। वहां के सारे लोग ये देखकर बहुत ही सरप्राइज थे। रात में सोते वक्त मलीसा डायरेक्टली टीम पर चढ़ गई और उसके साथ जबरदस्ती करने लग गई। सुबह उठकर टीम को कॉल आया, उसका बॉस उसे बुला रहा था। वो छुपकर जल्दी से वहां से जा रहा था। उसे लगा कि मलीसा सोई हुई है पर वो सोई नहीं थी। इसके बाद हम टीम को बोट पर देखते हैं। उसका न्यू बॉस सबको बता रहा था कि आज मैं एक शार्क से सामना करूंगा।
ये एक रियल शार्क था। उसे केज में डालकर अंडर वाटर छोड़ दिया गया था। सब लोग उसे करीब से देख सकते थे। वहां पर भागते भागते मलीसा भी पहुंच जाती है। टीम उसे देखता है और बोट को जरा आगे कर देता है। बोट का पीछा करने के लिए मलीसा पानी में कूद जाती है। उसे पानी में बोट का ओनर देख लेता है, पर टीम उसे चुप रहने के लिए कहता है। टीम को लग रहा था कि फाइनली वो मलीसा से बच गया, पर मलीसा स्विम करते करते बोट तक पहुंच ही जाती है। उसे देखकर टीम का दिमाग खराब हो गया। बॉस फिर सबसे पूछता है कि कौन शार्क के पास जाना चाहेगा। मलीसा एक्साइटेड होकर कहती है कि टीम जाएगा। टीम जाना नहीं चाहता था, इस वजह से वो बहाना बनाता है कि मैं मलीसा के साथ रुकना चाहता हूँ। वो कहता है कि मलीसा जरा बीमार है तो उसका मैं ख्याल रखूंगा। मलीसा चिल्ला कर गई थी कि मैं एकदम ठीक हूँ, इसलिए तुम अंदर जाओ। मलीसा के कहने पर अब उसे जाना ही पड़ता है। उसे केज में उतार दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ उसके एक बॉस भी जाते हैं। वहाँ उन्हें अब तक कोई भी शार्क नजर नहीं आता, इसलिए मलीसा कुछ मछलियों को चॉप कर केज में फेंकने लगती है। इसके ब्लड के स्मेल को सेंस कर शार्क वहाँ पर आ सकते थे। ये देखकर बोट कैप्टन उसे रोकने लगता है, पर उन दोनों में हाथापाई हो गई। ये सारे चॉट फिशेज मलीसा पर ही गिर जाते हैं। इसकी वजह से उसने पानी गंदा कर दिया। उस सब के स्मेल की वजह से शार्क वहां पर आ गया। केज में टीम उसे देखकर डर जाता है। वो शार्क केज को हिट करने लगते हैं और वो केज के अंदर आ गए। वहां का बोटमैन फिर शार्क्स को पंच करने लगता है। इसे शार्क फिर वहां से निकलकर चले जाते हैं। इसके बाद टीम बाहर आया। उसके बॉस भी इस सब में इंजर्ड हो गए थे। वो अनकॉन्शियस थे, इसलिए मलीसा उन्हें CPR देती है। बायलग उसका CPR काम कर जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लग गए थे, क्योंकि टीम का बॉस ऑलमोस्ट मरने वाला था। लड़ाई के बाद उसे छोड़कर जाने लगती है और जाकर गटर में गिर जाती है। टीम उसे वैसे ही छोड़कर चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में टीम मलीसा को अंदर बुलाता है। अब वो अपने नेक्स्ट गेम पर जा रहा था। मलीसा पहली बार उसके साथ आने के लिए मना कर देती है, क्योंकि अपने नेबर बारबरा के साथ स्पा में जा रही थी। टीम ये सुनकर बहुत ही खुश था, क्योंकि अब बला टल चुकी थी। इसके बाद वो खुश होकर चला जाता है। बॉस उसे पूछता है कि मलीसा कहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। टीम उसे कहता है कि अपने नेबर के साथ स्पा में गई है। बॉस कहते हैं कि प्लीज मुझे ये मत कहो कि तुम्हारे नेबर की वाइफ का नाम है बारबरा। एक्चुअली बारबरा टीम के न्यू बॉस की वाइफ थी। अगर वो मलीसा के साथ रहेगी तो पक्का कुछ ना कुछ तो ट्रबल हो ही जाएगा। ये सब रियलाइज करते टीम उसे ढूंढने लग जाता है। उसे हर तरफ ढूंढता है, रिसेप्शनिस्ट को भी कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद वो अपने रूम में गया और वहां पर उसे मलीसा मिलती है। उसे बारबरा के बारे में पूछता है। वो कहती है कि अब मैं बारबरा की थेरेपिस्ट हूँ। टीम कहता है कि तुम तो कोई डॉक्टर नहीं हो। मलीसा कहती है कि मैं सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ। या उसे पता चलता है कि बारबरा को उसने टिप्स दी थी, क्योंकि बारबरा और उसके हस्बैंड में लड़ाई हो रही थी। अब मलीसा की वजह से बारबरा और उसके हस्बैंड में फिर से झगड़ा हो जाता है। इसके बाद मलीसा उनके सुलह करवाने के लिए जाती है। मलीसा पूल में बैठे जैक से बात करने लगती है। उस पर वो चिल्लाने लग गए और कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ से अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। यह सब कहकर वो वहां से चली गई। वो भी वहां से जाने लगता है, तभी मलीसा भी उसके पीछे आने लग गए। इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। गार्डन में उसे मोच आ जाती है और मलीसा उसे ठीक करती है। नेक्स्ट डे टीम चेकआउट करने के लिए आया था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका जॉब जाने वाला है। तभी मलीसा आकर उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि पूरी रात में जैक और बारबरा के साथ बैठी थी, उनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब टीम पर उसका बॉस गुस्सा नहीं था और उसे लाइक करता था। मलीसा उसे कहती कि अगर तुम बिलीव नहीं करते तो तुम्हें आज यहीं पर रुकना चाहिए। इसके बाद रात के सीन में टीम का परफॉर्मेंस था, जहां पर वो शैडो डांस करते हैं। टीम को देखकर जैक कहता है कि मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। परफॉर्मेंस के बाद टीम मलीसा से पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्या कि जैक मुझे पसंद करने लग गया। उसे कहती कि मैंने जैक को हिप्नोटाइज किया है। ये सुनकर टीम हैरान हो जाता है, और फिर भी वो बहुत खुश था। इसके बाद उनके पास जैक अपनी वाइफ के साथ आया। वो गले लगाकर उसे कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी ना मरो। उसने कहा कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है। यहाँ पर बारबरा टीम को मलीसा का ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद बारबरा और जैक चले जाते हैं। टीम मलीसा से पूछता है कि तुम आखिर में हो क्या। मलीसा कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। वहां पर टीम मलीसा से पूछता है, तुम एक्चुअल में क्या करती हो, हिप्नोसिस, पैरामेडिक या फिर साइकिक हो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामने जादू करूंगी। यहाँ पर वो हाथ सफाई से बॉटल कैप को गायब कर देती है। ये देखकर टीम उससे पूछता है कि तुमने ये सब सीखा कहाँ से। मलीसा उसे कहती है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तो मैं बहुत ही सैड थी, मैंने फिर बहुत सारी चीजें सीखी थी। उन दोनों में बहुत ही अच्छे से बात होती है। टीम को फिर दूसरी मलीसा का मैसेज आता है, इस पर वो रिप्लाई नहीं देता। मलीसा ने पूछा कि मैसेज किसका है, पर वो कहता है कि किसी का भी नहीं। इसके बाद वो बॉस के पास किसी काम के सिलसिले में गया। वहां पर उसे बताता है कि मुझे पता नहीं, पर मुझे मलीसा पसंद आने लग गई है। ये बात सुनकर वहां पर बैठा हुआ क्लाइंट उसे कहता है कि जिसके साथ तुम प्यार करते हो उसके साथ तुम्हें बातें करनी चाहिए, उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करना चाहिए।
ये सुनकर वो मलिसा के पास चला जाता है। पैरेलल में मलिसा के पास उसकी एक साथी है, वहां पर टीम से मिलने के लिए आई हुई थी। वो जाने लगती है पर मलिसा ने उसे रोक लिया। वो कहती कि टीम यहाँ पर आ ही जाएगा। वो दोनों बात करने लगते हैं और इसके बाद थोड़ी देर में टीम आता है। वो अपनी सारी फीलिंग्स मलिसा को बताने के लिए आ रहा था पर वहां पर उसकी एक्स बेटी थी। मलिसा उसे कहती है कि अब मैं समझ चुकी हूँ कि पूरी ट्रिप में तुम परेशान क्यों थे, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की के साथ। वो कहती कि मुझे पता है कि अब भी तुम्हें तुम्हारे एक्स के लिए फीलिंग्स है, वो भी अभी तुमसे प्यार करती है। ये सारी बातें एक्स ने उसे बताई हुई थी। मलिसा उनसे कहती कि एक बार तुम दोनों को इंटीमेट हो जाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता था पर उसे करना पड़ता है। मलिसा उन दोनों को साथ में इंटीमेट होने के लिए कहती है। टीम वैसा ही कर रहा था पर वहां पर मलिसा भी थी। वो बाद में मलिसा के साथ इंटीमेट हो जाता है। ये देखकर उसकी एक्स वहां से चली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मलिसा और टीम बीच पर थे। कल रात क्या हुआ था इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसे सब कुछ याद था पर वो सिर्फ मलिसा को दिखाना नहीं चाहता था कि उससे कितना लाइक करता है। इसके बाद वो बीच पर एक आदमी से कहता है कि आज कुछ तो अच्छा होने वाला था। वो आदमी कहता है कि जैक ने आकर आज सारी पार्टी का प्लान चेंज कर दिया है। अब वो समुन्दर में अलग अलग लोगों का इंटरव्यू ले रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि जैक पर मिसी के हिप्नोटाइज का असर कुछ ज्यादा ही हो गया है। वहां फिर जैक के पीछे पीछे टीम आ जाता है। वो दोनों रूम में आते हैं और टीम ने मलिसा से कहा कि आज रात वो साथ में डिनर करेंगे और बहुत मजे करेंगे। ये कहकर वो शॉवर लेने के लिए गया पर उसका फोन बाहर ही रह गया था। मलिसा उसका फोन चेक करती है और वहां पर उसे दूसरी मलिसा का मैसेज मिलता है। वहां पर टीम ने मलिसा के बारे में बात की थी कि गलती से उसने दूसरी मलिसा को मैसेज कर दिया है, वो मुझे बहुत परेशान करती है। ये सब पढ़ने के बाद मलिसा वहां से चली जाती है। जब टीम बाहर आया तो वहां पर मलिसा नहीं थी। वो उसे बहुत जगह पर ढूंढता है पर वहां पर उसे डायरेक्टली रियल मलिसा मिल जाती है। टीम के फ्रेंड ने रियल मलिसा को यहाँ पर इनवाइट किया था क्योंकि उसे पता था कि टीम उसी मलिसा को चाहता है। वो आकर टीम के गले मिलती है। पीछे वो मलिसा को देखता है जो कार में बैठकर वहां से जा रही थी। इसके बाद असली मलिसा उसे लंच पर लेकर जाती है। वहां पर वो पहली बार बहुत सारी अल्कोहल पीता है। पीने के बाद अपने हाथों के बल वो चलने लग गया, ऊंचाई से गिर जाता है और इसके बाद मलिसा उसे चेक करने के लिए आती है। वो मलिसा से कहता है कि तुम बहुत परफेक्ट हो पर वो किसी और से प्यार करता है, वो थोड़ी सी पागल है और बहुत चिल्लाती है। ये सब सुनकर मलिसा कहती कि ये तो बात ठीक है पर वो है क्या। इस पर एक लड़का उसे कहता है कि उसके पास तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद वो वही करता है, उसे बार बार टेक्स्ट करता है ताकि उसे मिल सके पर मलिसा उसे माफ नहीं करती। इसके बाद वो एक दिन जैक के पास गया। वह उस स्पेल को पलट देता है जिसके थ्रू मलिसा ने उसे हिप्नोटाइज किया था। ये सच्चाई जानकर टीम ने उसे जॉब से निकाल दिया। इसके बाद एक दिन मलिसा को एक ब्लाइंड डेट मिलती है। ये वही रेस्टोरेंट था जहां पर टीम से वो फर्स्ट टाइम मिली थी। वहां आने पर मलिसा को मैसेज मिलता है कि वही ब्लैक जैकेट में बैठा हुआ है। मलिसा उसके पास गए, वो और कोई नहीं तो टीम था। उसके पास आता है और मलिसा उसके देखकर गुस्सा हो जाती है। कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। वहां से जाने लग गई थी पर टीम उसे रोक लेता है और उसे सॉरी कहता है। उसे अपनी सारी फीलिंग्स बता देता है। उसने उसके लिए एक रोज भी लाया था और उसने उसे प्रपोज किया। मलिसा भी उससे प्यार करती थी तो मान जाती है। वो दोनों फिर किस करते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।